नमाहा से देव्या जब लब्धो भाने की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधी नवा साइना ये सर्वे जिन सिद्धि उरुनुक्तास्ते पाठकः साधवः श्रुत्या योग जने शबंद गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाति भुवनक्षाता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिपितुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रसादसिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योऽष्टौ च दयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशिजनका यक्षासि यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपासिस्थितुरादिकन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमीसुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासुतपशो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलायोष्टोभिधाश्चारणाः पञ्चज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैलेरतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धिविभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्गृहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचेतसाख्य तथा वक्षाररूप्यादिषु इस्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोऽसौ भगवतां जन्माभिषेकोऽसौ यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविताः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमङ्गलार्थकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थङ्कराणामुत्साहः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकी स्तोत्रम्। सभी लोग तिलक लगा लें केसर से हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। तिलक लगा लीजिए हाथ धो लीजिए जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणिके जल समल है पी उज्जवल स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस्य से करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यरत रुक चुका है हे नाथ याप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कर्ण साय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्त बढ़े इसी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुभ फुलार की कही धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल का नाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या अच्छी दो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अब से करके ते लोग मंगल में निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब से कम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल का नाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर से चंदना आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार के साय जल से संसार रोग रहित गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल का नाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिंह निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल का नाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप ही पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरो तारियामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल का नाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निज करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल का नाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, प्रतिदिन यहाँ पर लगातार एक महीने तक ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होता है। आज भी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा, एक बोली होगी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की। हेलो जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। एक बोली ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की, जिन किसी की भावना हो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करने की
कोई भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं किसी भी राशि के माध्यम से। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक, किसी की भावना हो ऊपर में नीचे में किसी की भी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करने की, तो वो ऊपर में मूल लाएंगे भगवान का ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक 1111 रुपए। बोली आई 1111 रुपए। और किसी की भावना हो 2121 रुपए ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करेंगे 2121 रुपया। 2121 रुपए, 2100 नीचे हो गए, 2121 रुपया, 3131 रुपए, 3131, 5151 रुपए। जब आदिनाथ भगवान की 5151 रुपया, 1, 2, 2.5, 3, 5151 रुपया। शीघ्रता करें जिनकी भी भावना हो 5151। बोली नीचे आ गई है, फिर से ऊपर वाले विचार करें शीघ्रता से। पारस चैनल का सीधा प्रसारण है, सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आपने भगवान की जन्मभूमि में, ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि में अभिषेक किया है। 6161 रुपया, 7171 रुपये। शीघ्रता करें 7171। और किसी की भावना हो 7171। बोली आ गई है 7171, 70% हो गई है, 40% और मिलाओ तो बोली शुरू हो जाए। 7171, और नीचे भी विचार कर ले 7171 रुपया, 1, 2, 2.5, 3, 7171, 7575, 7575 रुपया, 1, 2, 2.5, 7575। पूछ लो एक बार, 7575, 1, 2, 2.5, 3, 7575 रुपया, 7575, 7575 रुपया। मनोज जी छोड़े, 7575 रुपया, 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री विशाल जैन, श्रुति जैन, क्या अन्य अनंत आराध्या जैन, सलावत वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। चलिए अब शांति धारा, आपके 5100 रुपए थे शांति धारा के, कर दें आपके शांति धारा 5151 रुपया। ऊपर जाना तो दिखाई देगा, ऊपर से दिखाई नहीं देगा, छोटी है ना ये। 6161 शांति धारा की बोली आ गई, 6161, 6161, 6161 रुपया, 7171, 7171। आज की शांति धारा की बोली 7171, मूल लायक 11111 रुपया। जब लो आदिनाथ भगवान की 11111 रुपया, 1, 2, 2.5, 3, एक बार और पूछ लो 11111 रुपया, नीचे सुनो 12212 रुपया, 12212 रुपया, 12212 12000। और शीघ्रता करें 15515। जबलो आदिनाथ भगवान की अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की 15515 रुपया, 1, 2, 2.5, 3, एक बार ऊपर में और पूछ लो अंतिम अवसर। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, ठीक है। चलिए मनोज जी वहां 12 वाले कर लेंगे, यहां 15 वाले कर लेंगे। चलिए 15115 रुपया, 1, 2, 2.5, 3 और पूरे 3। ऊपर वालों का भी नाम दे दो, 12000 रुपए जिनकी बोली थी ना उनका नाम दे दो, वो वहां कर लेंगे और ये भाई साहब यहां कर लेंगे। चलिए जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में चांदी की झारी दे दें, और इधर जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झारी दे दें। जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में शांति धारा की झारी देना है। पहले ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक, ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक भी वो लोग भी कर लेंगे जिन्होंने बोली ली है। चलिए दक्षिण भारत के अंदर कुमारी कन्याएं इस अभिषेक को करने में अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हैं। आज कुमारी कन्या के रूप में कुमारी आराध्या जैन, जो विशाल जैन, श्रुति जैन की सुपुत्री हैं, सनावत से पधारी हैं, और इनकी दादी जी मधुबाला जी संघ के अंदर रहती हैं, अभी दीक्षा लेने वाली हैं 22 जुलाई को, और इनकी बुआ सुदृढ़ मति माता जी हैं जो दीक्षा लेकर के और संघ में
रत्नत्रेय की आराधना कर रही हैं। आज ये सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और विशाल जी ने बताया है कि दीक्षा के समय लगभग 300 लोग सनावद नगरी से आने वाले हैं। आप सबका यहाँ स्वागत रहेगा। चलिए आराध्या जैन के हाथों में मिट्टी का कलश। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊ सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलसा भराऊ क्षीर समुद्भरणे जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण से भी सुर गयनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊ सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलसा भराऊ क्षीर समुद्र भरणी इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जकरणी ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊ सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलसा भराऊ क्षीर समुद्र भरणी गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हरि का श्रावक के श्राविका पूजत चरण वरम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊ सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलसा भराऊ क्षीर समुद्र भरणी भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदि इसने किया जगत उद्धार जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था पितु नाभिराय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था कृतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था यौवन में प्रभु ऋषभेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था शतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था 84 वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था 1 वर्ष के पश्चात जवाहर हुआ था देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था नृप सोम वस्त्र अंश का विभाग्य खिला था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था 1 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभो कैलाश पति बन के मोक्ष ले लिया विवो सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था प्रभु देव ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था जल गंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है
प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदी का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नवन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल एक साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदी का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन करता है भव प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदी का जल परम पवित्र हुआ था। इसे एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदी का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति ये तो की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदी का जल परम पवित्र हुआ था। यावंति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावंति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यम। ओम निचादिनाजनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ज्येष्ठ जिनवर भगवान सब देव की जय। अब शांति धारा होगी, जिन्होंने बोली ली है शांतधारा की, एक झारी चांदी की हाथ में उनके हाथ में, और ऊपर में भी जिन्होंने बोली ली है शांति धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकलमजाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकृत छिद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम राम दास्याव नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांति धारा कर्ता अनुरोध जैन, रोली जैन, अलंकृता जैन प्रयागराज इलाहाबाद से, द्वितीय शांतिधारा अभिषेक जैन सिप्रा जैन अतिशय संयम प्रविज्ञान मनोज रीता सविता जैन इंदिरानगर लखनऊ, अनुरोध जैन पीके जैन अर्पणा जैन दर्शिका जैन ऋषभ रीता श्रद्धा जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से, श्री विशाल जैन धर्मपत्नी श्रीमती श्रुति जैन कुमारी आराध्या जैन चिरंजीव अरहम जैन सनावद मध्य प्रदेश निवासी सा परिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती वीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वासिम महाराज निवासी सपरिवार श्रीमती सुषमा सुनील प्रवीण प्रिया जैन धवल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मयूर विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत गुजरात श्रीमती ललताबाई लालचंद्र रविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीटू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षामा राम सरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार मदन कुमार जैन श्याम इनकलेब ने दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप एम लता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता निवासी सपरिवार
विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, सपरिवार अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भविया, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, सिद्धेश, ऋषभ, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली सपरिवार, श्री हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हंसिका, हृदय, कृति, कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, डॉक्टर आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर, समस्त परिवार नागपुर, स्वर्गीय श्री फूलचंद, मैना देवी, मनीष, पिंकी, अभिषेक, सुरभी, तेजस्वी, सौर्य, आर्य जैन सबलावत कलकत्ता, विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन उत्तम नगर दिल्ली निवासी सपरिवार, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार, श्रद्धा उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार, आज के शांति धाराकर्ता अनुरोध जैन, रोली जैन, अलंकृता जैन प्रयागराज, अभिषेक जैन, सिप्रा जैन, अतिशय संयम, प्रविज्ञान, मनोज, रीता, सविता जैन इंदिरा नगर लखनऊ, अनुरोध जैन, पीके जैन, अर्पणा जैन, दर्शिका जैन, ऋषभ, रीता, श्रद्धा जैन लखनऊ, आज के ज्येष्ठ जिनवरकर्ता अभिषेक कुमारी आराध्या जैन, सुपुत्री श्री विशाल जैन, धर्मपत्नी श्रीमती श्रुति जैन, चिरंजीव अरहम जैन सनावत मध्य प्रदेश निवासी, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, राय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी, क्रोध चिंचिंदी बिन बिंदी, 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 सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भय चिंचिंदी बिन बिंदी, दुर्घटना भय चिंचिंदी बिन बिंदी, कंप दुर्घटना भय चिंचिंदी बिन बिंदी, सार मंडल डाकी साकिन्यार भय चिंचिंदी बिन बिंदी, हानि भय चिंचिंदी बिन बिंदी, व्यापार हानि भय चिंचिंदी बिन बिंदी, भय चिंचिंदी बिन बिंदी, चोर भय चिंचिंदी बिन बिंदी, भय चिंचिंदी बिन बिंदी, भय चिंचिंदी बिन बिंदी, भय चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी, वैरम चिंचिंदी बिन बिंदी, भिक्षाम चिंचिंदी बिन बिंदी,
चिंचिंदी बिन बिंदी चिंचिंदी बिन बिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिन बिंदी 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 चिंचिंदी बिन मृत्यु चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट वीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मे मरमाद्या नमादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सास्वती दयाद्याती क्षेत्रे बी संबत 2550 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पूरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्कासुरासुरगणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिं सुभिक्षं कुरु कुरु मना समाधिं कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानं कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यं कुरु कुरु अभिमतं कुरु कुरु पुण्यं कुरु कुरु जाम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु या कुरु कुरु हाद्रम कुरु कुरु दरबारिश ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयु द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकतोपरि शांति धारम चतुर्भि संगस्य गणनीय प्रमुख श्री अनु चतुर्भि संगस्य चिरंजीव संयम जैन खंडवा निवासी के जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से श्री विशाल जैन श्रुति जैन आराध्या जैन अरहम जैन सनावत मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री अनुरोध जैन शैली जैन प्रयागराज अलंकृता जैन प्रयागराज निवासी सपरिवार से श्री अभिषेक जैन शिप्रा जैन अक्षय जैन संयम जैन प्रविज्ञान जैन मनोज जैन रीता जैन सविता जैन इंद्रानगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री अनुरोध जैन पी के जैन अर्पणा जैन दर्शिका जैन ऋषभ रीता श्रद्धा लखनऊ निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम श्री निधेश जैन टिकेत नगर निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जब लोग सब जो भगवान की जय। उदग चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप रूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणानिध बहु दुख मेट हो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम रीम श्री सबदेव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमदानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परम्पराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमंतु में हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। बंधुओं आप सभी को बताना है कि अभी शीघ्रता में ही श्रुत पंचमी का महापर्व आ रहा है। पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो कि संस्कृति के संवाहक हैं जिन्होंने श्रवण संस्कृति को समृद्ध बनाने में सदैव अपना योगदान प्रदान किया है आज भी स्वामी जी सतत प्रातः काल 4 बजे से लेकर के रात्रि 11-12 जितने बजे तक कार्य करते हैं। शायद ही इस उम्र में भी कोई काम कर सके लेकिन उन्होंने संस्कृति को सदैव कुछ दिया है कुछ नया दिया है। तो हम हीरक जन्म जयंती 75वां जन्म दिवस आ रहा है 11 जून को आप सभी अयोध्या तीर्थ पर पहुंच करके पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपनी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करेंगे क्योंकि आज हम देखते हैं
कि जिधर भी निगाह डाले कार्य चालू तो हो जाते, लेकिन समापन का दौर नहीं आता है। लेकिन स्वामी जी के द्वारा सतत जो भी कार्य हाथों में लिए गए उनको शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रमुख शिष्य हैं और उनके लिए एक अल्प वृक्ष है कि माता जी ने जो भी आदेश दिया स्वामी जी ने उसको साकार किया है। तो संपूर्ण देशवासियों से जो भी अयोध्या तीर्थ पर पहुँच सके हीरक जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी का जन्म दिवस, क्योंकि ये स्वामी जी का जन्म दिवस नहीं है, ये संस्कृति का संरक्षण दिवस है, जिसे हम सब मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप भी उसी क्रम में जुड़ जाएं और उससे पूर्व 6 तारीख को हमारे बीच में प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी विराजमान हैं, जो कि सतत ज्ञान आराधना में आप सभी को जोड़े रखती हैं। दिन हो, रात हो, जुम हो, तो उसी श्रृंखला में हम पूज्य चंदनामती माता जी के जन्म दिवस को भी मनाने के लिए अयोध्या तीर्थ पर, माता जी सदैव कहती हैं कि उसको क्या मनाना है, लेकिन जिन्होंने कुछ दिया है आज उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए आज भी रत्नकरण श्रावकाचार छहडाला आदि हम सभी देखते हैं कि इतनी सरल और सुगम भाषा में हम सबको परोस देती हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम रत्नकरण पढ़ रहे हैं, श्रावकाचार पढ़ रहे हैं, जो भी मतलब पूज्य माता जी के द्वारा गोमट सार जीवकांड सार की कक्षाएं चल रही हैं। दिन में उनकी परीक्षा भी होती, पूछा भी जाता है कि आप सबको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो ऐसी पूज्य माता जी के भी जन्म दिवस को मनाने के लिए ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या का पावन दिवस है 6 जून को हम सभी एकत्र होकर के पूज्य चंदनामती माता जी का भी जन्म दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। और पुनः स्वामी जी का 11 जून को हीरक जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उसमें आप सभी पहुंच करके अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जबल आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सभी लोग बैठ जाएं। इंदिरा नगर जैन समाज से सभी पदाधिकारीगण आए हैं, इंदिरा नगर लखनऊ जैन समाज से सभी पदाधिकारीगण आए हैं और वो पूज्य माता जी को वर्षा योग आगामी सन 2024 का वर्षा योग की स्थापना के लिए निवेदन करना चाहते हैं। कर दीजिए, आ जाइए सब लोग जल्दी से, और उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। चलिए आ जाइए, पहले मंत्र बुलवा देते। माता जी अब ये तैयार हैं। इंदिरा नगर जैन समाज की ओर से इन सबकी भावना है कि पूज्य माता जी का समर्पण करते हैं। युकी पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदंग के चरणों में चातुर्मास स्थापना के लिए श्रीफल समर्पयामी स्वाहा। चलिए सब लोग बैठ जाए, 5-10 मिनट बाकी है पारस चैनल का पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओ अब जेठ जिनोर का मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा अभी जेठ जिनवर का व्रत चल रहा है और जेठ जिनवर का आपने ऋषभदेव का अभिषेक देखा है। ये मिट्टी के कलश से अभिषेक करने की परंपरा मैंने समय शिखर में पाई थी, और भी जगह है, अनेकों जगह मिट्टी के कलश से कुमारी कन्याएं अभिषेक करती हैं।
वही परंपरा चल रही है। और जेठ जनवर का अभिषेक मैंने बचपन से पाया है, बराबर हमारी जन्मभूमि टिकेत नगर आदिकों में सभी भक्तगण मिलकर के जेठ जनवर उसे करते रहे हैं। यहाँ भी वो परंपरा चल रही है और आगे ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ मास आता है और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को वर्षा योग की स्थापना है। मैं यहाँ शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में हूँ और अभी बाराबंकी के लोग भी वर्षा योग के लिए प्रार्थना करने आए थे और अति आग्रह आग्रह ने अति आग्रह कर रहे थे और आज लखनऊ के लोग भी आए हैं। ये लखनऊ के लोग और बाराबंकी के लोग और आसपास के भी लोग भी अनेकों वर्षों से आग्रह करते रहे हैं किंतु योग नहीं बन पाया है और अभी भी कहाँ का योग होगा। आचार्य श्री वीरसा जी महाराज कहते थे जहाँ का योग होगा जहाँ का अन्न जल होगा वहाँ हो जाएगा। अभी हम कुछ भी निर्णय नहीं दे सकते। बात यही है भगवान ऋषभदेव के चरण सानिध्य में यहाँ उनकी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर धर्माराधना करने का यह अवसर हमें बहुत बड़े पुरुषार्थ और भाग्य से मिला है। इसको भी मैं चुकाना नहीं चाहती थी और नहीं चाहती हूँ कि यहाँ से अयोध्या से भगवान ऋषभदेव के चरणों को छोड़कर कहीं मैं जाऊँ। फिर जैसा योग होगा वैसा होगा, मैं अभी निर्णय नहीं कुछ कर सकूँगी। और आप लोग सभी चाहे लखनऊ के निवासी हैं चाहे बाराबंकी के निवासी हैं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हमारा वर्षा योग होने से वो दो दो लाभ प्राप्त करते हैं। एक तो भगवान की शाश्वत जन्मभूमि में आकर कार्यक्रम करने का, चाहे विधान का आयोजन हो चाहे शिक्षण शिविर प्रशिक्षण शिविर आदि के आयोजन हो, सब में भाग लेते हैं, कार्यक्रम करते हैं कराते हैं और भगवान की वंदना करके पुण्य लाभ लेते हैं और गुरु भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ उन लोगों को भी दो दो लाभ मिल जाते हैं। फिर जैसा भी योग होगा तो ये जेठ जनवर का महीना और जेठ जनवर का व्रत और भगवान ऋषभदेव यहाँ जो विराजमान है और जो यहाँ जिन मंदिर बन रहे हैं भगवान ऋषभदेव के एक से एक पुत्रों के जो प्रतिष्ठित हो चुके हैं, 324 मंदिर बन रहा है, जो भगवान प्रतिष्ठित विराजमान हैं वो मंदिर में अपने यथास्थान विराजमान होंगे। आज सुबह से ही हमें रविंद्र कीर्ति जी पीठाधी जी स्थान दिखा रहे थे कि कैसे कैसे हम 324 भगवंतों को विराजमान करेंगे। और भी अनेक भक्तों की अनेक 24 की स्वीकृतियाँ हैं, उन सबको हम उन सबकी जिन प्रतिमाओं को कहाँ कहाँ विराजमान करेंगे चर्चा कर रहे थे। बात यही है ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ वंदना का पुण्य और प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य, जिन मंदिर आदि निर्माण करने का पुण्य, कराने का पुण्य जो है वो अपने आप में अपने अपने नगरों की अपेक्षा मैं समझती हूँ लाखों गुना अधिक महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत जन्मभूमि समय शिखर ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अयोध्या में अतीत काल में भी शास्त्रीय भाषा के अनुसार अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये वही शाश्वत पवित्र जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे, महापुरुषों के अनेक असंख्यातों अनंतों मोक्षगामी महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या, श्री भरत चक्रवर्ती बाहुबली आदि की जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। और ये तीर्थ हमेशा सुरक्षित रहे, जयवंत रहे और भगवंतों की प्रतिमाएं और मंदिर हमेशा जयवंत रहे और स्थिर रहे। जब तक कि जैन शासन है, अहिंसा परमो धर्म है, तब तक ये सब मंदिर और तीर्थ हमेशा चिरस्थायी होकर जयवंत रहे और आप सब लोग इनकी वंदना करके पुण्य लाभ लेते रहे। यही मेरी प्रेरणा
और सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कुमारी आराध्या जैन सनावत आ जाएं, एक छोटा सा भक्ति नृत्य ये बालिका प्रस्तुत करना चाहती है। और प्रतिदिन के भी हम देखते हैं जूम चैनल में आरती के समय, भक्ति के समय हमेशा थिरकती रहती हैं और वहीं से गुरु माता के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करती हैं। आज अयोध्या में आई हैं तो आराध्या शुरू करें। ऋषभ जहाँ जन में खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में बहनगिरी अयोध्या है, मरु देवी के आंगन में बहनगिरी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन में खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में बहनगिरी अयोध्या है। सनावत वह नगरी है जहाँ से सन 1967 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने मोती चंद ब्रह्मचारी जी को घर से निकाला
वे आजन्म ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जम्बूद्वीप की रचना को बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और सन्यास त्याग की परंपरा को प्रारंभ किया। आज वहां से अनेकों अनेकों त्यागी निकल चुके हैं, जिनमें से आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी भी हैं, हमारे संघ में आरिका सुदृढ़मती माता जी भी हैं, उसी घर की ये पौत्री है कुमारी आराध्या जैन। तो इस परिवार के लिए भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक ही परिवार से तीन लोग निकल रहे हैं। मोती चंद जी ने छुलक मोती सागर का पद प्राप्त करके पीठाधीश बने जम्बूद्वीप के। उनके भतीजी प्रकाश चंद जी की सुपुत्री चंद्रिका जैन सुदृढ़मती माता जी बनी। अब प्रकाश चंद जी की धर्मपत्नी श्रीमती